बेसिक इंटेंशन, और ब्लड प्रेशर कितने दिनों से है और उस पे शरीर पे और को और क्या इफेक्ट हुए इसमें से पता चलता है। और एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट जैसा इकोकार्डियोग्राफी जिसमें बताया उसमें कोई वॉल खराब है क्या, कॉआप्टेशन ऑफ द एओर्टा नाम की एओर्टा आर्टेराइटिस नाम की बीमारी का पता चलता है। फंडस एग्जामिनेशन जो बोलते हुए हमको ब्लड प्रेशर आँख जांचने के लिए गाय को भेज रहे तो पता चलता है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत दिनों से अगर है तो शायद उसके आँख पे भी उसका परिणाम हुआ। तो वेराइटीज ऑफ टेस्ट एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट ने जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत करना मैं समझता हूँ कि अनिवार्य है। इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर मालूम पड़ता है और डॉक्टर साहब आपको कुछ जांच बोलते हैं तो जांच तो बहुत खर्चा नहीं आता है, आप यूरिन करते हैं या ब्लड क्रिएटिन करते हैं, ईसीजी करते हैं या कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हर पेशेंट ने जिससे ब्लड प्रेशर मालूम हो और डॉक्टर साहब को बोलते तो उसको पूरा टेस्ट करा लीजिए, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। डॉक्टर अच्छा मुझे बताएंगे कुछ लोगों में बहुत कंसर्न है कि उम्र से ज़्यादा बीपी है 160-90 तो उम्र के लिए नॉर्मल रहता है, ऐसा कुछ रहता है या कुछ चेंज हो गया अभी? देखिए अभी जो सही में ये पैटर्न पूरा चेंज हो गया, पहले ऐसा बोला जाता था उम्र और 100 मिला तो उतना उसका नॉर्मल बीपी, माने 70 साल का आदमी है तो उसका 170 ऊपर का बीपी सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल है, ये कंसेप्ट अब पूरा चेंज हो चुका है। JNC 7 गाइडलाइंस ने क्लियर दिया है कि कोई भी उम्र हो, उम्र के 50 साल के ऊपर में अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर होता है तो हमें उसे ट्रीट करना चाहिए। और जैसा एक पहला कंसेप्ट था नीचे का ज़्यादा महत्व का है ऊपर का ज़्यादा महत्व का है, अब क्लियर गाइडलाइंस है JNC 7 में कि ऊपर का ब्लड प्रेशर उम्र के 50 साल के बाद ज़्यादा महत्व का है रादर देन नीचे का ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि आपकी उम्र कुछ भी रहो, आप 30 साल के रहो या 70 साल के रहो, ब्लड प्रेशर के जो गाइडलाइंस है आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 140 के नीचे चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के नीचे चाहिए, डॉक्टर साहब को बता दिया। मुझे और एक चीज़ पूछना है डॉक्टर साहब कि जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर होता है क्या इनको बाद में ब्लड प्रेशर होता है या बाद में नॉर्मल हो जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में आजकल बहुत ही आम बात है, करीबन हम 10-15% पेशेंट्स ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट्स में पा रहे हैं कि इन लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पेशेंट कंप्लेंट लेकर आते हैं, पैरों पर सूजन, चेहरे पर सूजन, कई बार सर दर्द होना, उल्टियाँ होना, आँखों से कम दिखाई देना, इंसिडेंस वाइज ये 15-20% के दायरे में बैठता है। जैसा इन्होंने पूछा अगर ये अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी में मैनेज होता है तो 85% पेशेंट्स में ये विदिन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी, मतलब 48 डिलीवरी के 48 घंटे में ये रिग्रेस हो जाता है और कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, सारे सिम्टम्स जैसा सूजन, पैरों की सूजन वगैरह कम हो जाती है। लेकिन 15-20% मरीज इनमें भी कुछ परसिस्टेंट हाइपरटेंशन डेवलप करते हैं, इनमें से भी काफ़ी मात्रा के पेशेंट्स 4-6 हफ्ते में वापस से ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इन 5-7% पेशेंट्स को परसिस्टेंट हाइपरटेंशन डेवलप होता है, इनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का जरूरत है, हो सकता है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। एंड जिनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हुआ हो बाद में अगर नॉर्मल भी चाहे तो उन्हें हर साल चेकअप करना चाहिए क्योंकि उसे बाद में ब्लड प्रेशर जल्दी हो सकता है, इफ पॉसिबल करना चाहिए क्योंकि दिस पेशेंट्स आर प्रोन टू बेसिकली आफ्टर 42 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड इफ द ब्लड प्रेशर परसिस्टेड दे विल नॉट टर्न आउट टू बी नॉर्मल वन। ये सभी पेशेंट्स को मोस्टली लाइफ टाइम ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है और इन पेशेंट्स को स्पेशली काउंसिलिंग की बहुत आवश्यकता है, दे आर प्राइमरी। अगर सेकंड प्रेगनेंसी अगर लेना चाहते तो उनको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ता है कि दे आर बेसिकली हाइपरटेंसिव और वो पहले जो उनको लेबल किया गया था कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन था दैट वाज बिकॉज इट वाज फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड इन द आफ्टर द 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, पर मोस्टली दे आर इसेंशियल हाइपरटेंशन था और इन लोगों को कॉम्प्लिकेशन रेट इज वेरी हाई, इसलिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी करके उसको डे वन से इसको एक स्पेशलाइज कैटेगरी में अपन रखते हैं। जहाँ तक कि इंसिडेंस और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस रेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज वेरी हाई और इसका बेसिक मैनिफेस्टेशन जो शुरू होता है वो सूजन से होता है और सूजन ये जो होती है डिस्प्रोपोर्शनेट सूजन, आमतौर पर प्रेगनेंसी में सूजन तो आती है पर जो सूजन की जो मात्रा रहती है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ प्रोटीन यूरिया। और अगर यूरिन की टेस्ट करके अगर आपको पता चलता है कि इसमें प्रोटीन जा रहा है तो 100% यू शुड सस्पेक्ट कि इस पेशेंट में प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होना है। और इसका अर्ली डिटेक्शन जो एक रोल ओवर टेस्ट नाम की टेस्ट होती है इसमें किया जाता है। ब्लड प्रेशर आपका इज फाइंड टू बी लिटिल बिट ऑन हायर साइड पहले, पर अगर आप उस पेशेंट को लेफ्ट लैटरल और राइट लैटरल कराते हैं और अगर ब्लड प्रेशर में ड्रॉप अगर मोर देन 30/15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से अगर ड्रॉप हो जाता है तो टेस्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, ये पेशेंट जो है दे विल डेफिनेटली टर्न आउट टू बी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसलिए रोल ओवर टेस्ट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, अगर कोई भी रीडिंग आपको थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है यू गेट अ रोल ओवर टेस्ट डन, इफ रोल ओवर टेस्ट इज पॉजिटिव देन डेफिनेटली दिस पेशेंट इज गोइंग टू लैंड अप विद दिस पार्ट ऑफ अ सेगमेंट दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस
हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्पशिया, एक्लेम्पशिया सॉर्ट ऑफ। सो टेस्ट को उतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसमें इन पेशेंट को मोस्टली अपन एक स्पेसिफिक रेस्टिंग की जो हैबिट्स होती है कि भाई मोस्टली एक ही करवट पे सोने का है, सो दैट ये ड्यूरेशन जो है हाइपरटेंशन डेवलपमेंट का, दिस कैन बी पोस्टपोन एज लेट एज पॉसिबल, सो दैट द कॉम्प्लिकेशन रेट विल बी वेरी लेस। ये रोल ओवर टेस्ट का सिग्निफिकेंस। अभी हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर आशीष आप बताएंगे इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट जैसा मैंने बताया आपको, अगर हम लोग गाइडलाइंस ले जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, GNC7 गाइडलाइंस, इसमें हम प्री हाइपरटेंशन जो मैंने आपको बताया था, यह दायरे में आने वाले पेशेंट्स को गोलियों की ज़रूरत नहीं, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत महत्व है। यह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिन पेशेंट्स को हम गोलियों का ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनमें भी उतना ही ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर देखा जाए तो हमारे प्रेस्क्रिप्शन का सबसे पहला मेडिसिन होना चाहिए सारे ही मरीजों में जिन्हें हमें गोलियाँ देना है और जिन्हें गोलियाँ नहीं देना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यह शब्द सुनने को और बोलने को बहुत ही आसान और सिंपल लगता है, लेकिन इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई डिटर्मिनेशन फ्रॉम द पेशेंट साइड एंड ऑल्सो जो क्लिनिशियन जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जितना एंथुजियाज्म क्लिनिशियन पेशेंट को देगा उतना अच्छी से एक्सेप्ट पेशेंट करेगा क्लिनिशियन का बात, और हम लोग हो सकता है केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करना चाहेंगे आप? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में नंबर एक तो आता है आपका डाइट, रेगुलर डाइट हैबिट रहनी चाहिए, और डाइट में सॉल्ट का मात्रा, सोडियम का मात्रा यह कम रहना चाहिए। जो एक नया कंसेप्ट आया है जिसको हम डैश बोलते हैं, डाइटरी एडवाइसेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि हमारा नमक का प्रमाण जो रहता है, जो नॉर्मली हम लोग रूटीन में 4-5 ग्राम तक लेते हैं, उसे हमने चेंज करके 1.6 to 2.2 तक के ला देना चाहिए। मतलब एडेड सॉल्ट जो भी हम लेते हैं और जो सॉल्ट युक्त चीज़ें हैं वो हमने कम कर देने चाहिए। बाकी आप नॉर्मल सब्जी में जितना नमक पड़ता है आप खा सकते हैं, नॉर्मल दाल में जितना नमक होता है आप टेस्ट के हिसाब से खा सकते हैं, बट एडेड सॉल्ट, सॉल्ट और सलाद्स होता है बाद में, जो ज़्यादा खार युक्त चीज़ें होती है जैसा पापड़ हो गया, अचार हो गया, इसे हमें स्टॉप करना चाहिए। जो पेशेंट्स इस दायरे में आते हैं इधर प्री हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन, साथ में हमारे डाइट एडवाइस में फ्रूट्स का प्रमाण ज़्यादा रहना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स कम रहने चाहिए और वेजिटेबल्स ज़्यादा प्रमाण में रहना चाहिए। काफ़ी लोगों में सोडियम के बारे में जैसे नमक का प्रमाण है काफ़ी कुछ मिसकंसेप्ट्स है, बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं कितना नमक खाना चाहिए क्या चाहिए, डॉक्टर आप हेल्प करना चाहेंगे इसके बारे में? वेरी गुड। बेसिकली मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँगा कि आमतौर पर ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस 20-25% केसेज में DHMS BHMS से जनरल प्रैक्टिशनर के लेवल पर होता है, और ये स्वाभाविकता है क्योंकि फाइनेंशियल पर कैपिटा इनकम इंडिया में बहुत कम होने के कारण वो अपन कम खर्चे में सब निपटाना चाहते हैं। एक BHMS प्रैक्टिशनर है, DHMS प्रैक्टिशनर हो, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बोलो, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो, उसको अपने लिमिटेशंस है। वो एक अपनी शुरुआत कर देता है अटेनॉल नाम की गोली से और वो पेशेंट को बोल देता है कि गोली खाते रहिएगा, पेशेंट इज हैप्पी विद दैट, बेसिकली यहाँ काम नहीं चलता। उसका सीरियसनेस, उसका इन्वेस्टिगेशंस और उसको रिक्वायरमेंट जो है, वेदर रिक्वायर्स ऑफ 2 टैबलेट्स, वेदर रिक्वायर्स ऑफ 1 टैबलेट, ये एक स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे फिजिशियन से उसकी जांच करना जरूरी है। अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी का निदान अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर के माध्यम से होता है तो ये पेशेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे डॉक्टर के पास जाके पहले उसका फिर से कन्फर्मेशन करे, कन्फर्मेशन के कारण बाद एक अच्छी से एडवाइस लिए। डॉक्टर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेफरल डॉक्टर की, जनरल प्रैक्टिशनर की, कि वो एक अच्छे कंसल्टेंट से उसका ओपिनियन ले और एक डोज फिक्स करने के बाद फिर उस पेशेंट को अपने पास फॉलोअप कर सकता है। जहाँ तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात है, इट इज़ अ चैप्टर विच इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल डिसीजेस, स्पेशली डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया, जैसे ओबेसिटी, चर्बी के साथ रिलेटेड, शुगर के साथ रिलेटेड और ब्लड प्रेशर के साथ रिलेटेड जितने भी डिसीजेस और डिसऑर्डर्स है उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वर्क्स अलॉट। इसमें 20-30% रिडक्शंस मॉर्टेलिटी, एंड स्टेज मॉर्टेलिटी और कॉम्प्लिकेशंस में पाया गया है, प्लस दी ड्रग्स रिक्वायर्ड इज ऑल्सो बीन रिड्यूस। यानी अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर हो गई है तो ऐसा बोला जाता है कि इसको लाइफ टाइम के लिए ब्लड प्रेशर की गोली लेनी पड़ेगी, पर जो प्री हाइपरटेंसिव है या स्टेज 1 हाइपरटेंसिव है उन लोगों में अगर अच्छी तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, डाइट मैनेजमेंट करते हैं, शायद हो सकता है कि 5-6 महीने के दवा के बाद या एक साल के दवा के बाद वो ड्रग्स फ्री हो सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डजंट मीन ओनली डाइट,
अपनी पूरी 24 घंटे की जो दिनचर्या है उसको किस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए वो उस पर पूरा कंट्रोल है। मॉर्निंग में जिस कितने बजे उठना चाहिए, उठने के बाद आपने कौन सी योगासन करने चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, कितना मिनट करना चाहिए, मोस्टली एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें अपन जो बोलते हैं कि शारीरिक श्रम हो। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आर नॉट टू बी डन इन हाइपरटेंसिव डिजीजेस, जिसको जैसा वेट लिफ्टिंग की बात है, बॉक्सिंग की बात है, ये सब जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है, ये पुशअप करने की बात है जो, या जो कौन से बोलते सर नीचे पर ऊपर, वो इस तरह के आसन जो है वो नहीं करने चाहिए। बेसिकली एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब जिसमें बहुत सारा पसीना आ जाए, लाइक रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग जिसको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, इस तरह के जिसमें बहुत सारा पसीना है, बहुत सारी कैलोरी कंज्यूम हो रही है, एंड साइकिलिंग, ये इस तरह की एक्सरसाइजेस आर रिकमेंडेड। और उसमें भी एक अपना टिपिकल फॉर्मेट किया जाता है कि अगर 6 महीने के अंदर वो टारगेट आपने अचीव करना चाहिए, मोस्टली 30 to 35 मिनट्स में आप 4 to 5 किलोमीटर्स अराउंड डिस्टेंस आपने क्रॉस कर लेना चाहिए, ये टारगेट है। ये टारगेट आप डे वन में अचीव नहीं कर सकते, ओवर स्पैन ऑफ 3 to 6 months यू हैव टू अचीव दिस टारगेट। इस तरह का अगर एक्सरसाइज करते हो आप, अगर 4 to 5 किलोमीटर का वॉक 35 से 40 मिनट के अंदर अगर आप फिनिश करते हो, उस दरमियान 5 माइल्स का अगर जॉगिंग कर लेते हो अच्छी तरह से, 45 मिनट्स का अगर स्विमिंग, नॉन स्टॉप स्विमिंग कर लेते हो सकता है कि वो एक अच्छी तरह से एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए हो रही है। डाइट में जिस तरह से बताया कि स्टार्ट फ्रॉम योर हैबिट्स एज वेल, जो अपन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, सम पीपल आर स्मोकर्स, स्मोकिंग इज वेरी वेरी हैजार्डस टू द हेल्थ, नॉट ओनली फॉर द हेल्थ बट हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी बढ़ती है, उसके कारण भी हाइपरटेंशन बढ़ता है और बाकी के जो कॉम्प्लिकेशन है, पैरालिसिस के कॉम्प्लिकेशन हो, हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशन हो, या फेफड़े के कॉम्प्लिकेशन हो, बढ़ते हैं। और इसलिए स्मोकिंग हैज टू बी स्टॉप एंड इट हैज टू बी अबैंडन इमीडिएटली। डाइट हैबिट्स के बारे में ऑलरेडी इज बीन डिस्कस कि फ्रूट्स का सेवन सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज फाइनेंस पर कैपिटा इनकम इज वेरी वेरी लो। पर स्पेशली आपके खाने में जो सॉल्ट का डिस्कशन हो रहा था, आमतौर पे एवरेज डाइट इन इंडियन इज ऑब्जर्व टू बी मोर देन 9 ग्राम सॉल्ट कंजम्पशन। तो ये 9 ग्राम to 6 ग्राम जो पेशेंट ने 6 ग्राम मैक्सिमम 24 आवर कंजम्पशन सॉल्ट का पाया, उनमें ड्रॉप इन टू द ब्लड प्रेशर इज अराउंड 12 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन सिस्टोलिक एंड 8 to 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन डायस्टोलिक, यानी 12 ऊपर का और नीचे का 8 ब्लड प्रेशर वैसे ही कम हो जाता है अगर आप सॉल्ट की मात्रा अगर कम करते हो। तो ये सॉल्ट की मात्रा 10 ग्राम 12 ग्राम मोस्टली गिन के देना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आर्बिट्रेरली इसको ऐसा बोला जाता है कि जो भी चीज़ें खारी है, जैसे पापड़ है, अचार है, फरसान है, चिवड़ा है, पानीपुरी है, समोसे है, कचौरी है, जिसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्ट करके ऐड किया जाता है, उसको आप ना खाएं। सलाड्स विदाउट सॉल्ट कंज्यूम करें, दाल में ऊपर से कोई सॉल्ट ना डालें, या सॉल्ट अपने थाली में परोस के ना ले। बाकी जो सॉल्ट आमतौर पे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज किया जाता है, उतनी मात्रा में आप सॉल्ट खा सकते हैं। और कुछ लोग सॉल्ट बंद करते हैं, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली, विदाउट सॉल्ट यू कैन नॉट सर्वाइव। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 3 to 4 ग्राम, इवन मैक्सिमम रिडक्शन पॉसिबल इज नॉट लेस देन 2 ग्राम। यू कैन नॉट अवॉइड लेस देन 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड दैट इज रिक्वायर्ड। जो खाना कम करते हैं उनमें क्या होता है अगर जो सॉल्ट खाना बंद कर देते? सॉल्ट कम खाने से 2-3 के मेजर हाइपोनैट्रेमिक जो कॉम्प्लिकेशन जिसको बोलते हैं अपन, जिसमें मोस्टली वेट लॉस का एक डिस्प्रोपोर्शनेट वेट लॉस, क्रैम्स आना, थकावट आना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, डिमेंशिया, कंफ्यूजन, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसको अगर ग्राम तौर पर फटिक यानी एग्जॉस्टेड फील करते हो आप अगर अच्छी तरह से प्रॉपरली सॉल्ट अगर आपके इसमें नहीं है तो, इसलिए मिनिमम सॉल्ट की जो रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग रेनी सीजन इज 3 grams to 4 grams, एंड ड्यूरिंग समर सीजन यानी जहाँ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, अगर तुम जो काम फील्ड में काम करते, जैसा सन में काम करते, खेती करने वाले लोग हैं, इनमें इवन 6 to 7 ग्राम ऑफ नॉर्मल सॉल्ट रिक्वायरमेंट, 7 ग्राम से 8 ग्राम के ऊपर सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आमतौर पर इन लोगों में आपने देखा होगा कि वो पानी पीते रहते और सॉल्ट लेते नहीं, तो आने के बाद उनको बहुत थकावट महसूस होती, दैट इज बिकॉज जो स्वेट में जो सॉल्ट लॉस हो रहा है वो अपन रिप्लेस नहीं कर रहे। इसमें पोटेशियम का भी रोल रहता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज बीन टेकन एज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डाइट, पर इस पर डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है। जो पेशेंट्स में पोटेशियम कंजम्पशन ज्यादा दिया है उसमें ब्लड प्रेशर कम होना जरूरी नहीं है। पर जिसको हाइपोकैलेमिक डाइट है उनको अगर थोड़ा सा पोटेशियम सप्लीमेंट कराते हैं तो शायद हो सकता है कि उनमें ब्लड प्रेशर का मात्रा में ड्रॉप पाई गई है। इसलिए हाइपरकैलेमिक डाइट जिसको बोलते हैं पोटेशियम एडिशन सप्लीमेंट करना इज नॉट बीन रिकमेंडेड। कैल्शियम का भी सेम एंड मैग्नीशियम का भी है, एवरेज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन हैज बीन प्रूव्ड एज इन इफेक्टिव बट लो डोजेस कॉजेस कॉम्प्लिकेशंस।
अगर इनकी मात्रा कम जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पर ज्यादा मात्रा देने से ब्लड प्रेशर कम होगा इज नॉट बीन प्रूव्ड. सेम इज फॉर पोटेशियम एज वेल. अगर पोटेशियम की मात्रा, जैसे अपन बोलते हैं कि फ्रूट्स में, जैसे स्पेशली जो येलो कलर के फ्रूट स्टफ्स होते हैं या कोकोनट वाटर है, उसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है. अगर वो कंजम्पशन करने के बाद आप रिलैक्स फील होते हैं बिकॉज ऑफ देयर इज अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, बट ओनली दोज पेशेंट्स हु वर एग्जॉस्टेड, हु हैड अ लॉस इन पोटेशियम, वो करेक्ट करने के बाद ये फीलिंग आता है. सॉल्ट का भी सेम है, सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन एंड सॉल्ट नॉन सेंसिटिव हाइपरटेंशन. ये सॉल्ट कम करने से 100% लोगों में ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल होगा जरूर नहीं है. इट इज नॉट दोज पेशेंट स्पेशली दो हैज गॉट एन एडिमा, पैर पे सूजन है, ओवरवेट है, जिनमें सॉल्ट खाने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा है, उन लोगों में कंट्रोल करने पे कुछ इफेक्ट जरूर आता है. पर सॉल्ट कम करने से मेरे को दवा नहीं खाने पड़ेगा, दिस इज द मिसकंसेप्ट. सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इज बीन एडवाइज, बट एवरेज रिक्वायरमेंट मिनिमम, जैसे डैश ट्रायल में भी दे हैड बीन मेंशन कि 6 ग्राम सॉल्ट हैज टू बी सप्लीमेंटेड. जैसे किडनी फेलियर के पेशेंट्स, उसमें सॉल्ट इज टेकन एज पॉइजन, नॉट बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन हो रहा है, पर उनपे जो सूजन आ रही है शरीर में, उसको रिस्ट्रिक्ट करते करते अपन यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट मोर देन 3 ग्राम. 3 ग्राम तो मिनिमम सॉल्ट सप्लीमेंटेशन तो हर ह्यूमन इंडिविजुअल को सर्वाइव होने के लिए लगता ही लगता है. सेम इज वाटर ट्रीटमेंट, जहां तक कि आपने सब्जेक्ट को छोड़ा है, बहुत ज्यादा पानी पीने से मेरे को ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा ऐसा नहीं है. थर्स्ट सेंटर जो शरीर में डेवलप हुआ हुआ है वो इतना सेंसिटिव है कि थोड़ी भी पानी की मात्रा अगर कम होती है तो ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि आपने पानी पीना चाहिए. इसलिए रात को 4 गड़वे 3 गड़वे पानी पी रहे हैं, कोई तांबे के बर्तन में पानी भर के रात सुबह उठने के बाद 1 लीटर पानी पी रहे हैं, उसमें ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ ठीक होती है. देयर ऑल मिसकंसेप्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है. जो रिक्वायर्ड वाटर इंटेक है 2 to 2.5 लीटर ऑफ वाटर इंटेक इन एन एवरेज ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग विंटर टू रेनी सीजन एंड 3 to 3.5 लीटर ड्यूरिंग दी समर सीजन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज समर में सॉल्ट एंड वाटर लॉसेस फ्रॉम दी स्किन एंड दी चेस्ट इज वेरी हाई. 800 ml के आसपास वाटर स्किन से होता है और चेस्ट से रेस्पिरेशन से अराउंड 1000 ml का वाटर लॉस होता है. दिस इज कॉल्ड एज ये दैट लॉस इज हाई एंड प्लस एंड यूरिन लॉस एंड स्टूल लॉस, इसको कैलकुलेट करके जितना वाटर इंटेक इज जरूरी. इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर है, अगर पेशेंट को चाहिए तो आप उसको व्यायाम करना चाहिए 40 मिनट. से डॉक्टर साहब ने बताया कि 40 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए, जिसको हम कार्डियो के बोलते हैं, रनिंग स्विमिंग, और अगर आप प्राणायाम और योगासन विश्वास रखते हो तो आप 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक प्राणायाम कर सकते हैं. सिर्फ प्राणायाम करने से नहीं होगा, आपको साथ में 40 मिनट व्यायाम करना जरूरी है. साथ में खाने के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि नमक के बारे में, जितना नमक आपके खाने में डालते हैं उतना लियो, ऊपर से नमक मत लो, और नमक खाना बंद मत करो. नमक खाना बंद करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला. मुझे और एक इस पे बारे में पूछना है, जैसे और इसको आपका समय लेना चाहूंगा बिकॉज द डेज आर गोइंग फॉर योगासन. थोड़ा सा कंसेप्ट आ रहा है, लोगों ने दौड़ना घूमना भागना सब बंद करा के बस बैठ के आहू करना चालू किया. प्राणायाम एकमेव एक्सरसाइज है विच हेल्प्स फॉर द ब्लड प्रेशर. रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट. प्राणायाम से एक थोड़ा सा मेंटल पीस डेवलप होता है, तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, चेस्ट एक्सरसाइज के कारण जो थोड़ा सा कार्डियक एक्टिविटीज में जो हेल्प होती है उसी कारण ब्लड प्रेशर पे फर्क पड़ता है. मैं रिसेंटली एक वर्कशॉप अटेंड किया था, उसमें डेमोन्स्ट्रेट किया था उसने कि 15 to 20 मिनट्स उसने प्राणायाम कराने के बाद 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सिस्टोलिक एंड अराउंड 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ड्रॉप इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था. इट इज बीन प्रूव्ड प्राणायाम. तो क्या अगर मैं सिर्फ प्राणायाम करता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा? नहीं, वही बोल रहा है कि योगासन करने वाले लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि डेफिनेटली आपकी दवा की मात्रा कम होगी. हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद ब्लड प्रेशर की दवा का डोज या बंद भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि आज से अगर आपने प्राणायाम करना चालू किया इसका मतलब आप ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करें. इट हैज टू बी सुपरवाइज थेरेपी. मैं आज से प्राणायाम करना चालू किया, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए कि व्हाट इज माय लेवल्स, वो बोलते कि मेरे लेवल्स अभी कम कम हो रहे हैं, डोज को टैपर ऑफ करेगा. इनकेस रिक्वायर्ड आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है तो वही डोज मेंटेन करिएगा. आपका ब्लड प्रेशर कम कम होते जा रहा है तो डोज को आप टेपर ऑफ कर सकते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि प्राणायाम करने से आप दवाई को जमा कर देंगे.
डॉक्टर आशीष साहब, मुझे ये पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोग दारू ड्रिंक्स लेते हैं, क्या ऐसा कुछ रहता है इसमें ड्रिंक्स अलाउड है या अलाउड ही नहीं है, या कोई सेफ लिमिट है उसके लिए? जी हाँ, ड्रिंक्स एक सीमित मात्रा में अलाउड है, मे बी अप टू 15 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इज परमिसेबल जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स है, जिसको मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन बोलते हैं। जो पेशेंट्स बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, उनमें डेफिनेटली डायरेक्ट कोरिलेशन अल्कोहल का ब्लड प्रेशर से बदली नहीं रहा है, लेकिन दूसरी बीमारियां हैं जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब हार्ट अटैक बोला जाता है या लकवा ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है, ये और फास्ट डेवलप होने का चांस है। माने जो मरीज को ब्लड प्रेशर है और अल्कोहल ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, उन्हें ये सब कॉम्प्लिकेशंस रेट होने के ज्यादा। 15 के माने कितना बोलते हैं, कितना लोग बता जाएंगे आप? जो है अल्कोहल का बड़ा स्पेसिफाइड डोजिंग है, दिस इज 2 औंस, 1 औंस इज इक्विवेलेंट टू 30 ml, 2 औंस इज मैक्सिमम 60 ml, इट इज नॉट द 2 पेग्स, बेसिकली 1 पेग इज प्रोबब्ली 65 टू 68 ml इज कॉल्ड एज 1 पेग फुल पेग, एंड हाफ पेग इज 35 ml इज बीन टेकन एज हाफ पेग, इट इज इन औंस। So 2 ounces per day is being permitted to those patients who has got hypertension but no cardiovascular complications. So why it is so? Because अगर 2 ounces से ज़्यादा अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उससे डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि आपको जो अगर रात को अगर चेस्ट पेन होता है, कोई प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर शूटअप होता है, तो उसका परसेप्शन जो है वो परसेप्शन आपको नहीं होगा, तो विल एंड अप विथ मोर कॉम्प्लिकेशन, दैट इज बेसिकली एन इंटेंशन। अल्कोहल हाउ डज इट हेल्प्स यूर बॉडी इज बिकॉज ऑफ पेरिफेरल वैसोडायलेटेशन, it causes good amount of vasodilation into the body, but simultaneously it increases the heart rate, so it increases the cardiac activity, and that is again hazardous to the body. अल्कोहल के साथ हार्डली 1% लोग होंगे जो सिर्फ दारू पीते हैं, पर उसके साथ स्नैक्स का जो कंजम्पशन होता है, दैट इज मोर ऑफ ऑयल, सब ऑयली फूड स्टफ्स होते हैं, दैट इज मोर हजार्डस, इसलिए इट इज बेटर टू स्टॉप अल्कोहल कंजम्पशन रादर देन परमिटिंग देम। तो 2 औंस पर डे ऑफ विस्की इज परमिटेड, प्लस बियर का जो होगा 300 and 360 ml ऑफ बियर पर डे इज परमिटेड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। इसका मतलब थोड़ा बहुत अगेन अप्लीकेबल टू दोज आर डायबिटीज एंड दोज हैज गॉट हार्ट डिजीजेस एज वेल। सो थोड़ा बहुत अल्कोहल पेशेंट ले सकता है, लेकिन उससे मात्रा में रखे, और स्मोकिंग डेफिनेटली नॉट, स्मोकिंग नो स्मोकिंग। यहां तक और थोड़ी सी डाइट हैबिट्स की बात है, कैफीन कंटेनिंग जितने भी फूड स्टफ्स है, मोस्टली जो पेप्सी कोलास एंड कॉफी का है, दे आर अगेन वेरी वेरी हजार्डस टू द बॉडी। आजकल तंबाकू पूरी काफी चलती है, पूरी सितार गोवा ये जितने भी ब्रांड्स है, दे आर ऑल नॉट टू बी टेकन, जिनको डायबिटीज ब्लड प्रेशर और इसकी बीमारी है, और मैं समझता हूँ कि बहुत हानिकारक है। जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो क्या अगर मेरा वजन कम होता है तो उससे कुछ ब्लड प्रेशर कम हो सकता है? डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक महत्व का भाग है वजन कम करना। जिनका बीएमआई ज़्यादा है, जो मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था, ऐसे पेशेंट्स अगर कुछ किलो का भी वजन कम करते हैं तो इनमें डेफिनेटली ऊपर और नीचे का ब्लड प्रेशर कम होने में काफ़ी मदद होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान के चलिए कि अगर हम ब्लड हमारा वेट 5 से 7 किलो से कम करते हैं, अगर हमारा बीएमआई 25-27 के ऊपर होता है, तो ये ऊपर का ब्लड प्रेशर 7 से 8 mm और नीचे का ब्लड प्रेशर 3 से 4 mm कम करने में मदद करता है। ये हर बार मोस्टली आमतौर पे डॉक्टर्स के लिए या पेशेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि अपना बीएमआई कैलकुलेट करे, एक अप्रोक्सीमेट उसके लिए, हाँ वजन कैसा कि मेरा वजन बराबर है कि नहीं है, वो भी चार्ट्स अवेलेबल होना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए फार्मूला है कि अगर किसी का वजन समझ लो 160 हाइट, अगर उसका 160 सेंटीमीटर है, तो उसमें से आप 100 माइनस कर दीजिएगा, तो लेडीज के लिए भी अलग फॉर्मूला 107 इज फॉर द लेडीज, 100 माइनस 100 और हाइट माइनस 107 इज अ अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड वेट और नॉर्मल वेट प्लस माइनस, उसमें अगर थिन बिल्ड मॉडरेट बिल्ड एंड थिक बिल्ड जिसको बोलते हैं, सो प्लस 2 माइनस 2 इज बीन टेकन एज नॉर्मल। तो अगर आपको सेफ लिमिट करना है तो 100 लो, आपका वजन जो है आपकी हाइट सेंटीमीटर निकालो, उसमें 100 माइनस करो जेंट्स लोगों ने, और लेडीज लोगों ने 107 माइनस करो। अगर मेरा हाइट 180 सेंटीमीटर है तो उसमें अगर माइनस करे तो 80 मेरा मैक्सिमम लिमिट है, उसके ऊपर मेरा वजन नहीं चाहिए। अगर मैं उसमें उससे अगर वजन कम करता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल चांसेस ज्यादा है, मतलब अच्छा ठीक है। इसके बाद इसका मतलब अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, अगर आप वजन कम करते हैं, आपको दवा नहीं लेना चाहिए, तो आप ये सब जैसे डॉक्टर ने बताया है, डाइट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वजन कम करना, इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। मुझे और एक सवाल पूछना है कि अगर आप जैसे जाँच करते हैं, बहुत सारी जाँच में कुछ फॉल्ट आता है, तो क्या मुझे दौड़ना जरूरी है ये करने के बाद भी? देखिए, कुछ जाँच हमको रियली क्लिनिशियन को बोल्ड बना के विच वे ऑफ ट्रीटमेंट वी शुड प्रेस्क्राइब,
इसलिए जैसा चौधरी साहब ने बताया कि जांच और एक अच्छे रेफरल डॉक्टर के पास पेशेंट का पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे जांच करने के बाद में कई बार यंग पेशेंट में हमें ऐसा पाया जाता है कि अरे ये तो ट्यूमर के कारण, फियोब्रोमोसाइटोमा के कारण इसे ब्लड प्रेशर है। आपको तुरंत उसका इलाज है कि आप उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए और एक अच्छे सर्जन के पास ऑपरेट करा लीजिए। द टाइम यू रिमूव द ट्यूमर उसका हो सकता है ब्लड प्रेशर बेसलाइन नॉर्मल आ जाएगा, बट ये बहुत अपवाद है, बहुत ही कम परसेंट ऑफ पेशेंट में। नहीं, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन पेशेंट है जिसमें कुछ कारण नहीं मिलते हैं और आपको इसी में कुछ फॉल्ट मिल जाता है या किडनी में कुछ फॉल्ट मिल जाता है, तो उसको भी आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे साथ में दवा भी देना चाहेंगे? डेफिनेटली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जैसा मैं दोहराऊंगा मेरे प्रेस्क्रिप्शन का सबसे ऊपर का मेडिसिन है। इन पेशेंट्स में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर इन्हें कोई सेकेंडरी कॉजेज भी मिलते हैं या डायरेक्टली ब्लड प्रेशर के कारण किडनियाँ खराब होती है या किडनी के कारण ब्लड प्रेशर होता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हैज नो रिप्लेसमेंट। It has to be there. Investigations, पहले already we had discussed it, कि investigation ये दो intention से किए जाते हैं। एक तो पता कराए कि अगर ये ब्लड प्रेशर करेक्टेबल है या नहीं है, अगर इनकरेक्टेबल है तो उसमें कभी एंड ऑर्गन जिसको बोलते हैं जैसे आँख है, ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है या रक्तवाहिनी है, इन पे क्या उसका इफेक्ट हो चुका है और इसका जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज जिसको बोला जाता है, दैट प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज हैज टू बी रिड्यूस्ड। उसको रिड्यूस करने के लिए, वो कॉम्प्लिकेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली एक टाइट ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जरूरी है। जहाँ तक कि व्हाट इज एन आइडियल ब्लड प्रेशर अपन ने बोला है, अगर आपका ब्लड प्रेशर एक आधे पेशेंट का पता चला कि ये हाइपरटेंसिव है, इज अंडर मेडिसिन, देन व्हाट इज अ नॉर्मल लेवल, सो व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड लेवल इज 130 बाय इट इज बीन टेकन एज नॉर्मल इज एन आइडियल वन, और मीन ब्लड प्रेशर ऑफ 95। रीनल पॉइंट ऑफ व्यू किडनी में हम उससे भी लो आते, 110 बाय 70 और 80 इज बीन टेकन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर जब तक के अचीव नहीं होता तब तक के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन एंड मेडिसिन हैज टू बी टॉप अप। ऐसा नहीं कि भाई एक गोली खा रहा हूँ डॉक्टर साहब, दूसरी बार आया फिर दूसरी गोली लिख दिया, तीसरी बार आया और तीसरी गोली, नहीं, दीज आर रिक्वायर्ड बिकॉज योर टारगेट इज 130 बाय 80। वो जब तक कि आप टारगेट अचीव नहीं करते तब तक के गोलियों का मॉडिफिकेशन शायद सिटिंग टू सिटिंग चेंज होते जाएगा, एंड जिनको शुरुआती में अगर फर्स्ट सिटिंग में पता चलता है कि ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई, तो हो सकता है कि आप शुरुआत में आपको दो ड्रग चालू करने की जरूरत पड़े सिर्फ एक गोली से, बिकॉज ये अटेन नाम की गोली जो है, मैं इतना इसका चलन है पेरिफेरी में, जनरल प्रैक्टिशनर एक 25 मिलीग्राम का डोज लिख के पेशेंट को सलटा देते एंड देन दे लैंड अप विद सम कॉम्प्लिकेशंस। तो ये एक स्टेज होती है जहाँ की पेशेंट ने खुद अपना अवेयरनेस क्रिएट करा के, एक अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट करा के अपना डोज पहले फाइनलाइज करिएगा, बाद में वो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके मॉनिटर कर सकता है कि मेरा ब्लड प्रेशर आज बढ़ा है, कम है, नॉर्मल है। इनकेस उसमें अगर वो चाहते कि कोई फ्लक्चुएशन है, जैसे हाइपोटेंशन हो गया, कम हो गया, अगेन ही हैज टू गो बैक टू अ फिजिशियन एंड गेट अ न्यू प्रिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं कि वो दवा बंद कर दे, कैटास्ट्रोफिक स्टॉपेज ऑफ द ब्लड एंटी हाइपोटेंसिव इज अगेन नॉट परमिटेड, इट हैज टू बी अगेन री इन्वेस्टिगेटेड, वेरीफाइड एंड रीस्टार्टेड। हाइपोटेंशन की बात अगेन मैं इस पे थोड़ा सा जाना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर कम की बीमारी है, ब्लड प्रेशर कम की बीमारी, इस तरह के और सारे कंप्लेंट्स पेशेंट से आते कि मेरे को ब्लड प्रेशर कम की बीमारी है, तो मेरे को लगता है कि आशीष विल बी हाईलाइटिंग ऑन दैट इश्यूज मोर। इसके बिना मैं कहना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर ने बताया आपको कि आपका बीपी 140/90 या 130/80 है और साथ में आपको डायबिटीज या हार्ट का प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, तभी डॉक्टर आपको बीपी की दवाई दो। इसका अप्रोच कुछ अलग रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर साहब ने आपको बीपी है तो भी दवा दिया है, और दवा देने का कारण कुछ और रहता है। बीपी का कारण जैसे डॉक्टर ने बताया कि 120/80 चाहिए, उतना 120/80 चाहिए, इसके लिए आपको डॉक्टर साहब दवा दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर बताया हाइपोटेंशन क्या रहता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे लो बीपी बीमार, क्या ऐसी कोई बीमारी रहती भी है? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट हमारे सोसाइटी में, हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कॉमन फीमेल्स, यंग पेशेंट फीमेल्स आते हैं और मुझे लो बीपी है, 4 सलाइन लग गए 5 सलाइन लग गए, इट इज़ ऑल रबिश। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लो बीपी होता है। हाँ, हाइड्रोजेनिक लो बीपी हो सकता है कभी कोई पेशेंट को, या कोई बीमारी के मूल कारण से लो बीपी, जैसा कोई हार्ट अटैक आया, मैसिव हार्ट अटैक आया, उससे लो ब्लड प्रेशर जिसको हम शॉक बोलते हैं वो हो सकता है। लेकिन जो एक कॉमन मिसकंसेप्ट है, मुझे लो बीपी की बीमारी है, 2 सलाइन लगा दो 6 सलाइन लगा दो 4 सलाइन उधर लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक आइडियल फीमेल के लिए, लीन थिन फीमेल के लिए, अगर 80 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर का ब्लड प्रेशर सिर्फ 80 भी रहता है और उसका पल्स रेट अगर नॉर्मल रहता है, तो दैट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर दैट फीमेल। अगर उसे इस ब्लड प्रेशर से कोई सिम्टम होते हैं, जैसे चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरी आना, तो ठीक है, तो फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये रियली उसका ब्लड प्रेशर कोई कारण से कम है क्या। अदरवाइज एक चलते फिरते आने वाला पेशेंट, लीन थिन पेशेंट जिसका 80-90 ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट नॉर्मल है, वो
थोड़े बहुत मामूली किसी ने डराया रहता है कि देखो लो बीपी की बीमारी करके कुछ वेग कंप्लेंट कर रहा है, तो उसमें हम रिलाय नहीं करते और हम रीअश्योर करते हैं उसको कि दिस ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल फॉर यू। हाइपोटेंशन के बारे में थोड़ा सा और एक हाईलाइट करना चाहूँगा। बेसिकली हाइपोटेंशन रहने एक अच्छे संकेत है, जैसे मैराथन रनर्स है, जो स्विमर्स है, प्रोलॉन्ग लॉन्ग स्विमर्स है, इनके जो हार्ट रेट देखे गए कि इनके हार्ट रेट रहते 50, 50, 55, 60 के आसपास, और इनका ब्लड प्रेशर जैसा आपने बताया कि दैट इज बाउंड टू बी 100 और 90 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। तो लो ब्लड प्रेशर एक अच्छी कंडीशन का एक फिजिकल स्टेटस का संकेत माना जाता है, अनलेस अगर उसको कोई ऐसे सिंकोप जैसे बेहोशी आने की, अंधेरी आने की या थकावट की, इस तरह के अगर कोई कंप्लेंट्स अगर नहीं है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो भी रहता है तो मैं समझता हूँ कि आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद ही है, नुकसान नहीं करेगा। ये आपके एक फिटनेस का पैरामीटर्स माना जाता है कि यू आर फिट फॉर सर्वाइवल। यानी मेजॉरिटी जब लोगों का बीपी अगर 90 से 60 रहे या 100-70 भी रहे वो नॉर्मल रहता है, और ऐसे लोगों में हार्ट अटैक या लग का चांसेस बहुत कम रहता है। और जो पेरिफेरल लोग, जो डॉक्टर लोग सलाइन लगाते हैं, वो गलत है, इसका मतलब रॉन्ग प्रैक्टिस। और मैं मेरी दरखास्त रहेंगी कि लोग भी ऐसा खुद होके डॉक्टर के पास ना जाए कि मेरे को लोबी की बीमारी है और मेरे को एक सलाइन लगा दीजिए, और वो डॉक्टर लोगों कम्युनिटी को भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि शायद इस तरह का प्रैक्टिस होना करे कि आपको लो बीपी की बीमारी और एक सलाइन लगा लीजिएगा करके। एक सलाइन लगाने से ना तो बीपी ठीक होने वाला ना तो पेशेंट ठीक होने वाला, ये सिलसिला चलते रहेगा क्योंकि टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। डॉक्टर जी, आप हमको दवा के बारे बताएंगे, कौन कौन सी दवा अभी नई नई आई है दवा ब्लड प्रेशर के लिए, बीपी के लिए? दवाइयों के डिटेल में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहेंगे। सिर्फ ब्रीफ इतना करना चाहूँगा कि एक इंडिविजुअलाइज प्रैक्टिस है, ये वैरी करता है क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन, लेकिन एक क्लेवर क्लिनिशियन जो एक प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा पेशेंट को पूरी तरह असेस करके उसके कोमॉर्बिड कंडीशंस, जैसा उसे हार्ट अटैक है क्या, उसे अस्थमा है क्या, उसे कोई किडनी का प्रॉब्लम है क्या, उसका शरीर का सॉल्ट लेवल कैसा है, इस हिसाब से डिसाइड करते। जो डॉक्टर चौधरी साहब ने बताया कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इन पेशेंट्स को, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विल गिव अ क्लेवर प्रेस्क्रिप्शन रादर देन जस्ट बीपी है लिख दिया, अटेंड लिख दिया फलाना, और पेशेंट लैंड्स इन कॉम्प्लिकेशन। तो एक अच्छे क्लेवर क्लिनिशियन का हमेशा प्रेस्क्रिप्शन इन्वेस्टिगेशन बेस्ड रहेगा, विच इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, और वो लॉन्ग टर्म में पेशेंट को बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। लिस्ट ऑफ ड्रग्स अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ड्रग्स है जो ब्लड प्रेशर के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमें ये साथ में रखना है कि ख्याल में रखना है कि पेशेंट को कोमॉर्बिड कंडीशंस कौन से है, डायबिटीज़ है क्या, किडनी का प्रॉब्लम है क्या, हार्ट का अटैक होके गया है क्या, लकवा होके गया है क्या, पेशेंट का एज कैसा है, पेशेंट को अस्थमा तो नहीं है, पेशेंट को कोई ब्लड प्रेशर की दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला है। इस तरीके से एक अच्छा चार्टिंग करके हमको उनका प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब करना है। काफ़ी देखा है कि गांव में लोग अटेंग गोली बहुत खाते हैं, आप डॉक्टर भी वहाँ के अटेंग थे, क्या आप सकता कि हर पेशेंट को अटेंग काम के कोई और दवाई भी आ जाती है? अगर मैं समझता हूँ कि इस टैबलेट की यूटिलिटी डे बाय डे बहुत कम होती जा रही है, अटेन नाम की गोली में वो ट्रेड नेम से नहीं बोलना चाहूँगा, अटेनलॉल नाम का जो कंपोनेंट्स है वो अभी मार्केट से मैं समझता हूँ कि खत्म होते जा रहा है। मॉलिक्यूल इज नॉट वेरी टू गुड, इट वाज टू गुड इन द पास्ट बिकॉज ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम एंड आफ्टर द रिसर्च हैज बीन प्रूव्ड दैट द यूटिलिटी इज नॉट टू हाई। स्पेशली ये ड्रग फीमेल हाइपर सेंसिटिव फीमेल टैकीकार्डिक है, मोर इमोशनल्स है, यंग पेशेंट्स है, उन लोगों में अपन देते हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स को अगर थोड़ा सा अगर नजर डालेंगे तो ब्लड प्रेशर की जो अटेनलॉल नाम की गोली है, सबसे पहले इससे डिप्रेशन नाम का प्रॉब्लम आता है, ओल्ड एज में इट इज़ एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तीसरा बात है कि इसके डायबिटिकोजेनिक बोला जाता है, इसमें शुगर लेवल बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होता है बिकॉज अटेनलॉल इंक्रीजेज द यूरिक एसिड लेवल एंड दैट अगेन कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरटेंशन सॉरी। तो ये अटेनलॉल इट्स अगेन टेकन एज डायबिटोजेनिक। अस्थमा के पेशेंट ने ऑलरेडी आशीष हैज ऑलरेडी हाईलाइटेड कि इट प्रेसिपिटेट ब्रोंकियल अस्थमा, डिप्रेशन का शिकायत, प्लस यू फील लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड यू हैज गॉट सम रिडक्शन इन टू द सेक्शुअल इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं, ये जो हैबिट्स इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म तक के इसको लेना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, बट इट इज़ वन ऑफ द चीप टैबलेट। अगर तुम फिर फाइनेंशियल पोजिशन की तरफ जाओगे पेशेंट के, तो इट इज़ मोस्ट अफोर्डेबल, इट इज़ हाईली प्रिस्क्राइब एंड इट स्टिल बीन यूज वेल। मैं इस ड्रग को बैन करना या बंद करना या नहीं यूज करना नहीं बोल रहा हूँ, बट देर आर बेटर प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वी कैन ऑफर टू द पेशेंट। और जो पेशेंट में फाइनेंशियल कंसर्न है, डेफिनेटली दिस ड्रग्स कैन बी नाइसली यूज, बट सिंगल ड्रग्स अटेनलॉल दैट टू स्टेज टू हाइपरटेंशन एंड कॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन आई फील इज नॉट अ वेरी वाइज प्रिस्क्रिप्शन।
क्या ये दवा डेली लेना चाहिए कि ये काफी लोग पेशेंट्स तो हफ्ते में दो बार लेते हैं, जब तकलीफ है तभी लेता है? इसकी ऐसी यूटिलिटी जीरो। इफ यू वांट टू टेक इट यू हैव टू टेक इट बिकॉज़ इस हाफ लाइफ और टोटल इफेक्ट जिसको बोलते हैं अपन इज नॉट मोर देन 24 आवर्स। प्रेफरेबली द टाइमिंग शुड मैच। या और कोई टाइमिंग है उसका भी, कोई एक दिन में कौन से सवेरे या रात में चाहिए दवाई का? फिक्स अप द टाइमिंग, प्रेफरेबली मॉर्निंग आवर्स वी प्रीफर, बिकॉज अगर सुबह अगर भूल जाते तो सकता है आपको दोपहर में याद आ जाए, रात को याद आ जाए, सो दैट ओवर स्पैन ऑफ टाइम यू कैन कॉम्पेंसेट इन ऑन दैट डे। बट बेसिकली ऐसा कुछ नहीं कि रात को लेना चाहिए, पर बीटा ब्लॉकर्स प्रीफरेबली ऐसा बोला जाता है कि इट हैज टू बी टेकन इन द मॉर्निंग आवर्स। जब काफी लोग पेशेंट दवा लेते हैं और कुछ तकलीफ अगर शाम को तो फिर डबल लेते हैं, क्या ये अनलेस यू चेक योर ब्लड प्रेशर यू आर नॉट सपोज टू टेक अ सेकंड डोज ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव। आपको जो कंप्लेंट्स आ रही है, शिकायत आ रही है, हो सकता है कि आपके ब्लड प्रेशर से निगड़ित नहीं हो, रिलेटेड नहीं हो, वो और कोई डिसीज का इंडिकेट कर रहा हो और आप उसको गलत डायरेक्शन से लेके जा रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको कोई नई शिकायत हो रही है इसका मतलब आपने और एक डोज लेना चाहिए, ऐसा नहीं। और एक और कॉमन मिस्टेक होता है कि हाइपरटेंशन पेशेंट किसी नॉर्मल पेशेंट के बाजू में बैठा रहता है, उसे घबराहट होती है नॉर्मल पेशेंट को, अपनी गोली दे और वो अपना प्रिस्क्रिप्शन चालू कर देता है, तू ये ले ले जम जाएगा, मेरा जम गया था। ये एक कॉमन मिसकंसेप्ट है और प्लीज इसको अवॉइड करिए। काफ़ी बार खेड़ेगांव में पेशेंट्स को कुछ एंजाइटी होती है, कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब चेक कर उसको बोलते बीपी है और पेशेंट आपके पास आता होगा तो बीपी नॉर्मल होता होगा, तो उसको आप क्या कहेंगे? बेसिकली ये एक साइकेट्रिक कंडीशन है जिसको एंजाइटी न्यूरोसिस बोला जाता है, स्पेशली ऑलरेडी आशीष हैज ऑलरेडी हाइलाइटेड यंग फीमेल्स, अनमैरिड फीमेल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड डिकेड फीमेल्स होती है, एंड लास्ट फेज ऑफ द सेकंड डिकेड और द अर्ली फेज ऑफ द थर्ड डिकेड, और सम फीमेल्स जिनको फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें मोस्टली वो हिस्टेरिकल बिहेव करते हैं, एंग्शियस होती है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें ट्रांजिएंटली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उस एपिसोड के दरमियान, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ब्लड प्रेशर की शिकायत है। ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम वो इशू खत्म हो जाते हैं, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है, हमारे आते हैं हम बोलते हैं इसको ब्लड प्रेशर नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई वो पुराना डॉक्टर था वो गलत था, उस दरमियान ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम वो कम हो गया एंड दिस पेशेंट डज नॉट रिक्वायर एनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, एक्सेप्ट देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज एपिसोडिक हाइपरटेंशन जिसमें फियोक्रोमोसाइटोमा जैसी कंडीशन है, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, ये दो तीन कंडीशन है जिसमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में होता है, एकदम दन के से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एंड कुछ समय बाद फिर एकदम उसको रिलीज हो जाता है। फियोक्रोमोसाइटोमा में कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, पाल्पिटेशन धड़धड़ाहट होती है, पसीना आता है, पेशेंट एकदम लाल फ्लश हो जाता है, फीवर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड कुछ समय बाद ऑल ऑफ ए सडन बीपी ड्रॉप्स डाउन, पर दे आर दिस स्पेशलाइज कंडीशन जिसका डिटेक्शन वो फिजिशियन पिकअप कर लेते हैं, ऐसा दीज आर द हाइपरटेंसिव पेशेंट, दे हैव गॉट अदर सम रेसिडुअल फाइंडिंग्स आर स्टिल देयर। मैं एक बात जस्ट हाईलाइट करना चाहूँगा, ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट प्रैक्टिसिंग ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट इज रियली नॉट दैट सिंपल जो हमको लगता है, लेकिन हर एक अच्छा प्रैक्टिशनर चाहे तो ब्लड प्रेशर का मरीज अपने दायरे में प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे वो BHMS हो DMS हो, लेकिन थोड़ा डेप्थ ऑफ नॉलेज रखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए इन मरीजों से जब हम ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ये केवल एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई लोकल बीमारी नहीं है, छोटा बीमारी नहीं है, ये पूरा सिस्टमिक बीमारी है जो शरीर के एक एक हिस्से को ख़राब कर सकता है। काफ़ी CMEs आपके आसपास के प्लेसेस में होती है, आप उसको अटेंड करिए जो भी छोटे प्रैक्टिशनर्स है, और 4-6-8 हाईलाइटिंग पॉइंट्स आप उस CME से टेक होम मैसेज ले जाइए, आपके प्रैक्टिस में काफ़ी फर्क पड़ेगा और आप जिसके पास पेशेंट रेफर करते हैं वो भी अप्रिशिएट करेगा कि इसने राइट चॉइस किया है इस पेशेंट के लिए, क्योंकि फाइनली हमारा कॉमन इंटरेस्ट ये रहता है कि पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये बढ़ना चाहिए, उसके टारगेट ऑर्गन डैमेजेस जो है वो पोस्टपोन्ड होने चाहिए, वो बचने चाहिए और पेशेंट को एक अच्छा सुखी लाइफ हमने देना चाहिए। जस्ट एक्सटेंशन टू दिस इज जैसा आशीष ने बोला है कि एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ देने का ऑल डॉक्टर कम्युनिटी का इंटेंशन है, इसीलिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे जनरल प्रैक्टिशनर ने एक फिजिशियन की तरफ पेशेंट रेफर किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉपी वो दूसरे पेशेंट के लिए अप्लीकेबल है, इट्स नॉट, ये उस इंडिविजुअल कंसल्टेंट का ओपिनियन था कि ये ड्रग उस पेशेंट के लिए इफेक्टिव है या जरूरी है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सेम प्रिस्क्रिप्शन दूसरे पेशेंट को दिया जाए, सो कॉपिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज डेफिनेटली नॉट परमिटेड ऑन द लेवल ऑफ द जनरल प्रैक्टिशनर। जहाँ तक नेफ्रोलॉजी किडनी की बात है, 70-80% ऑफ द किडनी के बीमारी में हाइपरटेंशन इज एसोसिएटेड फैक्टर,
10-20% ऑफ द किडनी डिसीजेज दे डोंट हैव द हाइपरटेंशन, जिसको हम सॉल्ट लूजिंग नेफ्रोपैथी, क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिसीज बोलते हैं, इसमें हाइपरटेंशन नहीं होता, रादर इनको सॉल्ट की कमी होती है. इन पेशेंट के लिए मेरा एक टेक होम मैसेज है कि इनकी सबसे नंबर वन प्रिस्क्रिप्शन इज एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी, जिसको ऑनर करना जरूरी है. अगर एक आधी टॉनिक की कैल्शियम की गोली अगर भूल जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ब्लड प्रेशर की गोली लेना वो कभी नहीं भूले, बिकॉज इट कैन कॉज प्रॉब्लम टू द किडनी, इट कैन कॉज प्रॉब्लम टू द लाइफ एज वेल. इसलिए उनके लिए ब्लड प्रेशर की पील्स एक अमरूद के जैसे इसेंशियल कंपोनेंट है, वो कभी ना भूले, जहाँ तक कि किडनी के डिसीजेस की बात. सो जैसे हमने देखा, साथ में डिस्कस किया, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन काफ़ी कॉमन है अपनों ने, अगर अपना रेगुलर चेकअप करना चाहिए 30 साल के बाद में, अगर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है और आपको 3 बार रीडिंग ना चाहिए, और डॉक्टर बोलते हैं आपको तीनों बार कि आपका बीपी हाई है, आपको दवा लेना चाहिए, तो आपने रेगुलर उसकी दवा लेना चाहिए, दवा को बीच में बंद मत कर, डॉक्टर ही खुद डिसाइड करेगा कि दवा बंद करना है या शुरू करना है. डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना हो तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, 40 मिनट वॉक कीजिए, 20-30 मिनट प्राणायाम कीजिए. डॉक्टर बोलते हैं खाने में अगर नमक हो, नमक ऊपर से मत लो, तो नमक ऊपर से नमक मत लो, अगर आप वजन कम करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल आ सकता है, तो आपकी गोली बंद हो सकती है, डॉक्टर ने बताया है. साथ में आपको कोई कंडीशन हो, डायबिटीज हो और किडनी का प्रॉब्लम हो या हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो दवाई का चॉइस डॉक्टर के ऊपर होता है, डॉक्टर को करने दीजिए. अपनी दवा रेगुलर लीजिए, रेगुलर व्यायाम कीजिए, अपने स्ट्रेस फैक्टर्स टेंशन कम कीजिए, आप सुखी रहेंगे, आपका जीवन सुखी रहेगा. मैं डॉक्टर अविनाश चौधरी साहब और डॉक्टर आशीष बंसल का धन्यवाद करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में, और ये कंप्लीट करना चाहूँगा. धन्यवाद. मेरा डॉक्टर यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए. आपके सुझाव सादर आमंत्रित है. हमारा पता है सिटी चैनल कार्यालय, धनराज लेन, 70-7, अमरावती. फोन नंबर 2563833.